यहाँ का प्रशासन का कहना यही है कि हमने बहुत सारे लोगों को गरीबी से ऊपर उठाए हैं और वो गरीबी से उभर कर ऊपर आए हैं, पर अभी भी आंकड़े हमको यही बताते हैं कि प्रदेश के 14% लोग अभी भी गरीबी में ही हैं। केंद्र सरकार जो गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे योजनाएं आप आ, 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 देश को दिए हैं, यानी के 30% गरीब हैं। 30%, 30% अभी गरीबी में ही है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच है, यानी के अंत्योदय भी कह सकते हैं, या सबके साथ सबका विकास, यानी के सबको विकास देते हुए देश को आगे बढ़ाना है, उस सोच के साथ उन्होंने गरीबों के लिए, क्योंकि वो खुद बहुत बहुत बार कह चुके हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और गरीबी क्या होती है मुझे मालूम है, इसलिए मैं गरीबों को मैं केंद्र बिंदु बनाकर अपनी सारी योजनाएं आगे लेके आऊँगा। और इस सोच के साथ और इस संकल्प के साथ बहुत सारे अच्छे योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों के लिए आगे लेके आए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, भारतीय जनता पार्टी के मानना यही है कि हर एक गरीब के सर पर छत हो। और वैसे ही उड़ीसा को भी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घरों का सैंक्शन भी कर चुके हैं। पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो अभी भी, मैं पहले बोली थी कि 14% लोग गरीबी में है, पर वो 30% लोग अभी गरीबी में है, पर 14% लोगों के सर के ऊपर अभी तक छत नहीं है। और घर देने के लिए, गरीबों को घर देने के लिए, हर घर सैंक्शन करने के लिए लगभग 20,000 घूस लेते हैं यहाँ के अधिकार। तो ये सरासर गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रही है। और वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों की आत्मसम्मान की रक्षा के पर नजर डालते हुए उन्होंने जो शौचालय निर्माण करने की योजना किए थे, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, वो गरीबों को टॉयलेट देने के लिए 2,000 रुपये यहाँ का प्रशासन घूस लेता है। गरीब तो है ही, 20,000 और 2,000 कहाँ से लेके आ सकते हैं और दे सकते हैं। और जहाँ तक हम मीडिया में भी, आप जैसे आप सब तो मीडिया से ही हो, और यहाँ प्रदेश के लोगों को भी मीडिया से पता चल गया है कि जो पुराने टॉयलेट सेट, पुराने शौचालय हैं, उन पर रंग लगाते हैं और उसका पैसा खुद किसके जो जेब में जाता है, यहाँ प्रदेश के सभी लोगों को ये भी पता चल गया है। और वैसे ही अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी ओडिशा के जो 6 जिले हैं, वहाँ अभी तक एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर का सैंक्शन नहीं हुआ है। इसका तो जवाब नवीन बाबू को और यहाँ के प्रशासन को तो देना ही है, क्योंकि वेस्टर्न ओडिशा जो अभी भी पिछड़ेपन में है, उसको तो आगे लेके जाने के लिए जो अच्छे काम केंद्र सरकार करती है, वो भी लोगों को वंचित करते हुए यहाँ का प्रशासन आगे चल रही है। और हम मानते हैं कि ज़रूर यहाँ के लोग इसको पहचानते हैं और जान भी चुके हैं। और वैसे ही ओडिशा के जो डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ों रुपये देती है हर एक योजना के अंदर, जैसे मनरेगा हो उसके अंदर पैसे आते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, और वैसे ही रोड बनाने के लिए भी यहाँ पैसा आता है केंद्र सरकार की तरफ से। यानी कि हर एक डेवलपमेंट काम जो यहाँ हो रहा है, इसमें ज्यादातर योगदान केंद्र सरकार का है। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से कि वो खुद क्या करे यहाँ ओडिशा के डेवलपमेंट के लिए। एक भी इंडस्ट्री नहीं आता है ओडिया में, यानी कि यहाँ हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, हमारे बच्चे जो है उड़ीसा का उन्हें अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट ढूंढते ढूंढते अपने प्रदेश को छोड़कर। और वैसे ही अगर हम किसानों की बात भी करें, कृषि की बात भी करें,
जो किसान भरोसा के अंदर जो पैसे आना है, जो कालिया के नाम पर जो प्रदेश सरकार चलाती है और किसान सम्मान निधि के रूप में जो केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार के 10 इंस्टॉलमेंट्स अभी तक आ चुके हैं, पर कितना इंस्टॉलमेंट कालिया के अंदर जो प्रदेश सरकार ने दिया, इसका जवाब तो प्रदेश सरकार को देना है। वो समय समय पर नहीं देते हैं, तो हाँ, जब इलेक्शन आती है तभी उनको याद आ जाता है किसानों की बात, और कालिया के नाम पे कुछ ना कुछ रुपये डाल देते हैं। यानी कि किसानों को भी वंचित अब तक प्रदेश सरकार ने करती आई है, इसका जवाब भी उनको देना है। अगर हम माल न्यूट्रिशन के तौर पर भी देखें, ये हमारी रिपोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिपोर्ट का भी कहना यही है कि उड़ीसा में जितने भी महिलाएं हैं वो अधिकतर माल न्यूट्रिशन है। यानी कि जो गरीब कल्याण योजना के अंदर जो जो धान हो, राइस हो या दाल हो, जो प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंदर देते हैं वो तो पहुंच रहा है, पर जो प्रदेश को देना है वो क्यों नहीं दे रहे, इसका जवाब भी तो देना है। यानी को गरीबों को अब वंचित कर रहे हैं यहाँ के प्रदेश का प्रशासन। और वैसे आर्थिक स्थिति पर भी अगर आप एक बार नज़र डालोगे तो 1,25,00,000 रुपये का अभी डेट के रूप में प्रदेश पर वो भार है, दैट बर्डन इज देयर। यानी कि जो बच्चा अब पैदा होगा उड़ीसा में, जो पैदा नहीं हुआ बट होगा, हर एक बच्चे के सर पर लगभग 19,000 रुपये का भार, डेट बर्डन हमारे बच्चों पर है, इसका जवाब भी तो प्रदेश सरकार को देना है। क्योंकि वो रुपये सब ले आके क्या कर रहे हैं उन सब से, जैसे मैंने अभी आपके सामने रखी हूँ कि जो भी विकास का काम यहाँ उड़ीसा में हो रहा है, ज़्यादातर योगदान केंद्र सरकार की है। इसलिए जो 20-25 साल से यहाँ शासन में बैठे हुए जो नवीन बाबूजी हमारे मुख्यमंत्री है, उनको लोगों को जवाब देना है, क्योंकि अभी तक लोग उन पर विश्वास करते हुए उनको आशीर्वाद देते आए हैं, पर अब लोग जान चुके हैं कि कैसे नवीन बाबू की सरकार उनको वंचित करती आई है। वैसे अगर बैकवर्ड ओबीसी का भी आप देखोगे तो ओबीसी का कमीशन जो प्रदेश में बनाना था, 27 इयर्स तक उन्होंने नहीं बनाए, और घटित करने के बाद जो आंकड़े निकालने हैं बीसी का, किस तरह का रिजर्वेशन देना है, कितने में किस कास्ट में पिछड़ापन ज़्यादा है, जो जो उसका अंदाज़ा लगाना है, वो अभी तक नहीं हुआ ठीक तरह से। तो ओबीसी को भी उन जवाब देना है नवीन बाबू को कि उनके भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किए उन्होंने। और अब कह रहे हैं उनका तो ओबीसी कमीशन 27 इयर्स के बाद बना, अभी तक कोई उसका आंकड़ा नहीं निकाले, और अभी तक उनका रिजर्वेशन, हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उन्होंने 2-3 साल पहले चिट्ठी लिखे थे यहाँ के मुख्यमंत्री को कि एजुकेशन में, विद्या में ओबीसी बच्चों को आप रिजर्वेशन दो, पर अभी तक वो हुआ ही नहीं, उस पर ध्यान देते ही नहीं। और जो सच्ची में उनको रिजर्वेशन मिलना है अभी तक उनको मिला नहीं। और बात ऐसे ही, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी की तरह से मैं 48% या 44% या 45% मैं रिजर्वेशन दे दूंगा, जब आंकड़े हमारे जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि 54% के ओबीसी पॉपुलेशन है स्टेट में, तो 48% की क्या बात है। और उन्होंने कोर्ट में रिजर्वेशन पर केस दर्ज किया और फिर खुद वापस ले लिए इस केस को। यानी कि सरासर ये ओबीसी के भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करना है, उनको ह्यूमिलिएट करना ही है, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए मैं तो ज़रूर विश्वास करती हूँ कि लोग धीरे धीरे, जो अभी नवीन बाबू के प्रशासन का पर्दाफाश हो रहा है और ज़रूर लोग समझ रहे हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये लोकल बॉडी इलेक्शन में, क्योंकि जो प्रतिनिधि वो चुनते हैं और उनके सामने रहते हैं वो उनको न्याय दे सकता है, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है लोगों को। और मैं ज़रूर मानती हूँ कि क्योंकि लोग यहाँ के जान रहे हैं कि
बीजेडी सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुई है। अगर आप देखोगे कि हर तरह ओडिशा में जहां पे भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, केवल और केवल एक नाम उभर कर आएगा कि बीजेडी पार्टी के कोई मंत्री का नाम या कोई विधायक का नाम या कोई सांसद का नाम, यही उभर कर आएगा। तो लोग को पता है कि यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार में बीजेडी डूब चुका है, तो मैं मानती हूँ कि लोग अगर उनके जीवन में एक अच्छी परिवर्तन चाहते हैं, एक अच्छा बदलाव चाहते हैं, और ओडिशा को अगर वो विकास के पद पर आगे लेके जाते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर मानती हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आशीर्वाद के रूप में अपने वोट देंगे, अपने आशीर्वाद देंगे, ऐसा मैं ज़रूर विश्वास करती हूँ और मानती भी हूँ। महिलाओं के साथ भी जो खिलवाड़ हो रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, आप सबको पता है जिस तरह से ममिता मेहर की जो खून हुआ था, और जिस तरह परी का जो एक छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, वो सभी ठीक ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सम्मान करते हुए उठाए हैं। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी कहना नहीं, बल्कि एनसीआरबी रिपोर्ट जो है, द नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है, उनका रिपोर्ट का भी यही कहना है कि महिलाओं पर जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसमें ओडिशा प्रथम स्थल पर है, अव्वल नंबर पर है। और जो बच्चे ओडिशा में गायब हो रहे हैं और जिनका पता भी नहीं चल रहा है, उसमें भी ओडिशा इज़ राइट ऑन द टॉप।